नमस्कार दोस्तों, उड़ीसा टूडे 24x7 में आप सभी का स्वागत है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा संबंधित जगन्नाथ संस्कृति के बोध समस्त छात्र और छात्राओं और इच्छुक शोधकर्ताओं के लिए विशेष रूप में प्रस्तुत करते आ रहे हैं। रथ यात्रा होगा या नहीं, अगर होगा तो कैसे होगा, इसको लेके एक प्रमुख ओडिया न्यूज चैनल ओटीवी के तरफ से एक डिबेट हुआ था, जिस डिबेट पे वरिष्ठ सांवादिक जानकिस बड़पंडा, वरिष्ठ सेवायत विनायक दास महापात्रो, मुक्ति मंडप पंडित महासभा के उप सभापति अशोक महापात्र, डॉक्टर बसंत पति और जगन्नाथ संस्कृति के विशेषज्ञ डॉक्टर हरिहर कानून को अंश ग्रहण किए थे। रथ यात्रा को लेके डॉक्टर हरिहर कानून को जी ने कहा कि ईयर 1698 एंड 1699 में मंदिर के अंदर रथ यात्रा हुआ था, जो अनसर गृह में स्नान पूर्णिमा के बाद महाप्रभु 15 दिन तक चिकित्सित होते हैं और स्वस्थ होने के बाद जो नवजौवन दर्शन होते हैं वो भी उस गृह के पास एक सिंहासन है वहां पे हुआ था, और वहां से जय विजय द्वार दे के भोग मंडप जो कि गरुड़ स्तंभ के पीछे है वहीं पर 9 दिन तक नीति नियम के अनुसार रथ यात्रा हुआ था और यह सब मादला पांजी में वर्णित है। और कहा कि अगर अभी सभी प्रवेश पथ को सील कर दिया जाए और सिर्फ सेवक और सेवायतों को लेके रथ यात्रा अनुष्ठित किया जाए तो अच्छा होगा, और हाँ पूरी शहर के लोग जो कि आध्यात्मिक चेतना के हैं अगर उनको सुजग दिया जाए तो ठीक रहेगा। श्रद्धालु को लेके रथ यात्रा किया जाता है, अगर श्रद्धालु और भक्त नहीं होंगे तो कैसा रथ यात्रा। इसके बाद उनको प्रश्न किया गया कि फिर बिना भक्त के स्नान यात्रा कैसे हुआ, तो कानूनगो जी ने कहा कि स्नान यात्रा संभव हुआ क्योंकि स्नान मंडप जहां पर लोकेटेड है वहां पर पानी का सहूलियत है और 3 भगवान का अच्छे से बैठने का भी व्यवस्था है, इसलिए स्नान यात्रा अच्छे से संपूर्ण हो पाया। तो ये था डॉक्टर हरिहर कानूनगो जी का विशेष वक्तव्य। डिबेट के अनुसार हमारे संपादक तुषारकांत मोहंती जी का कहना है कि रथ यात्रा में भगवान बड़दंड में आते हैं क्योंकि बहुत सारे भक्तों को मंदिर के अंदर जाने का इजाजत नहीं है, वो लोग रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान को दर्शन करके अपना मनोकामना पूरा करते हैं। तो टीम ओडिशा 24x7 प्रमुख ओडिया टीवी चैनल ओटीवी को इस विषय पर डिबेट प्रसारण करने से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और रथ यात्रा को लेके आपका मतामत क्या है वो कमेंट बॉक्स पे बताइए और हमारी ओडिशा 24x7 को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।